अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास सोशल साइंस में हमारा टॉपिक जो आज चल रहा है दूसरा चैप्टर है जो रशियन रेवोल्यूशन सोशलिज्म रशियन रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म। तो इस हवाले से आज का टॉपिक हमें है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। सोशलिज्म जो है और रशियन रेवोल्यूशन जो है उससे पहले क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, इस हवाले से हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हुई यूरोपियन सोसाइटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, क्या तब्दीली हुई। जिस तरह कल हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो आइडियाज लोगों के मुख्तलिफ सोसाइटी को सोसाइटी में मुख्तलिफ कैसे सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, तो लिबरल्स का अपनी एक आइडियोलॉजी थी, रेडिकल्स अपने ख्याल से सोचते थे और कंजर्वेटिव्स उनकी अपना एक व्यू पॉइंट था। तो इस तरह से आज जो है ये सोशल चेंज जो यूरोपियन सोसाइटी में आई और सबसे बड़ी बात जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी कि मिड 19th सेंचुरी में जो है अब वहाँ मार्केट्स बढ़ गए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। अब यहाँ मार्केट्स बढ़ गए, सिटीज डेवलप हो गई, टाउन्स जो हैं एक्सपेंड हो गए और इस तरह से मैन वोमेन जो है वो मार्केटों में आई, वो बाजारों में आई। अब देहातों से रूरल एरियाज से लोग अब बाज़ारों में आने लगे और जॉब ढूंढने लगे, काम ढूंढने लगे। अब ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी थी, अब एक जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलने का मौका था इन टाउन्स में, सिटीज़ में। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लोग काम करते थे सिटीज़ में, टाउन्स में, वहाँ आबादी बढ़ गई, देहातों से भी लोग अब जो है सिटीज़ में आ गई। जब सिटीज़ में आ गई तो वहाँ कंजक्शन हो गई और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो गई। वहाँ जो है ये सैनिटेशन और मुख्तलिफ हाइजीनिक प्रॉब्लम्स वहाँ रेज हो गई यूरोप में। तो इंडस्ट्रीज में जो क्लास काम करता था, जो लेबर्स काम करते थे, अब उनके वर्किंग आवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और वेजेस उनके जो थे वो बहुत कम थे। और इस तरह से जो ये प्रॉपर्टी हम देखते थे, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, स्टेट्स थे, ये स्टेट्स ओन किए हुए थे लिबरल्स और रेडिकल्स। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे और ये मजदूर तबका जो था ये काम करते थे इनके घरों में। हालांकि किसी हद तक इनको अब इंडिविजुअल राइट्स मिले थे, अब इन्हें अब वेजेस भी मिलते थे, लेकिन जितना काम इनसे लिया जाता था इस हिसाब से इनके वेजेस इतने नहीं थे। वर्किंग आवर्स इनके अभी भी ज़्यादा थे और वेजेस इनको कम मिलते थे। तो इस पूरी चीज़ को बदलने में अब यूरोपियन सोसाइटी में एक और चीज़ भी आया कि एरिस्टोक्रेटिक रूल को पूरे यूरोप से ख़त्म करने के लिए कोशिशें हुई, रिवोल्यूशनरी मोमेंट्स हुई और पूरे यूरोप में अब एक नया जो है पॉलिटिकल ऑर्डर बनने की कोशिश होने लगी और रिवोल्यूशनरी मोमेंट्स हुई। और जैसा कि हम देखेंगे इटली के जोसेपी मजनी जो हैं उसने भी जो है इंस्पिरेशन ली और उसने भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई और जिन्होंने पूरे यूरोप में फैल कर इन आइडियाज़ को फैलाया कि हमें अब मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी से छुटकारा पाना है, आज़ादी लेनी है और तमाम इंडिविजुअल्स को अपना राइट्स मिलनी चाहिए।
और मोनार्की जो है, अब ये मोनार्की जो है इस रूल को ख़त्म होना है। तो इस सिलसिले में जो हम देखते हैं कि ये तब्दीलियां जो पूरे यूरोप में अब जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए कुछ हो रही थी, तो ये भी साथ साथ होता रहा, और हुकूमत रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए भी कुछ होती रही। और सबसे बड़ी बात जो है कि फिर सोसाइटी को कैसे, सोसाइटी के बारे में भी सोचने लगा, सोसाइटी को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए कि ये जो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो बनी है इसमें जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है मजदूरों की, लेबर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ये जो वेल्थ है, वेल्थ किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब तक हमने देखा कि ये जो लिबरल्स थे इनको बड़े बड़े स्टेट्स थे, इनको इनके बड़े बड़े ये जो इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेंटर्स इनके थे, और इन्होंने कैपिटलिस्ट थे, और ये वर्किंग क्लास जो था इनकी इनकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको बनाने में असल में वर्कर्स का काम है, और फिर ये दौलत जो है, ये वेल्थ जो है, ये कंसंट्रेट हो जाती है इंडिविजुअल के हाथ में, कुछ चंद इंसानों के हाथ में ये प्रॉपर्टी जो है ये कंसंट्रेट हो जाती है, और पूरे समाज को इसका फायदा नहीं पहुंचता है। तो इस सिलसिले में एक नया आइडिया जो है, नया आइडिया आया, वो नया आइडिया यही था, सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी। अब लिबरल जो थे, रेडिकल जो थे, इनको स्टेट्स थे, इनकी प्रॉपर्टी थी, इनको बड़े बड़े ये जो स्टेट्स वहाँ, इंडस्ट्रियल सेंटर्स वहाँ थे, और बड़े बड़े कैपिटल्स इनके थे, इस कैपिटल को चलाने में वर्कर्स का बड़ा हाथ था, और वर्कर्स जो काम कर रहे थे उनके वेजेस कम थे, उनकी जिंदगी जो थी, अब वर्कर्स जो काम करते थे जो फिर प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट जो है वो कैपिटलिस्ट्स के हाथ में जाता था और कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में जाता था। इस तरह से समाज का अक्सर तबका ये प्रॉपर्टी जो थी ये कंसंट्रेट हो जाती थी इंडिविजुअल के पास। हालांकि ये फ्रंट रिवॉल्यूशन में जो जो प्रिविलेज जिनको जो खत्म किया गया था, लेकिन फिर ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनने में भी फिर प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के हाथ में आती है। अब इसके खिलाफ सोशलिस्ट आइडियाज आए, और अब यही कहा जाने लगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये किसी एक का हक नहीं है, इनको कौमी जायदाद बनना चाहिए, इट शुड बी द नेशनल प्रॉपर्टी। अब इस नेशनल प्रॉपर्टी को ये कैसे बनेगी कि इसके लिए सोशलिस्ट ने कहा कि इसके लिए हमें कॉपरेटिव बनानी चाहिए, और कॉपरेटिव की ये जो कॉपरेटिव की का आइडिया दिया कि कॉपरेटिव जो हैं इनको इंडिविजुअली जो है लोग काम करेंगे, और फिर जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्क, काम के मुताबिक इस प्रॉफिट को फिर बांटा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, और इस तरह से जो वेल्थ है ये कंसंट्रेट नहीं हो जाएगी किसी एक फर्द के हाथ में, किसी कुछ चंद इंडिविजुअल के हाथ में, बल्कि प्रॉपर्टी शेयर होनी चाहिए। इसके लिए लाजिम था कि अब कॉपरेटिव का ये जो आइडिया था, इस कॉपरेटिव का आइडिया जो है, कॉपरेटिव का आइडिया जो है ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था जिसका नाम था इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, इसका नाम था सोशलिस्ट रॉबर्ट ओवन। और 1883 में ये रॉबर्ट ओवन जो था ये इंग्लिश एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर था, तो इंग्लिश लीडिंग मैन्युफैक्चरर, और इसने कॉपरेटिव का आइडिया दिया कि ये कॉपरेटिव जो हैं, इससे ये जो प्रॉपर्टी है किस चंद इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगी, ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी बनेगी, और इसमें तमाम लोग जो हैं इसमें काम करेंगे, ज्वाइंटली काम करेंगे, फिर जो प्रॉफिट्स होंगे इसको डिवाइड किया जाएगा काम के हिसाब से, प्रॉफिट्स को डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द वर्क, ईच वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल। तो इस सिलसिले में
अब इस प्रॉपर्टीज को कुछ और सोशलिस्ट ने इस आइडिया के साथ थोड़ा इतला करके उन्होंने कहा कि ठीक है ये कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए, लेकिन कोऑपरेटिव्स जो हैं इनको इंडिविजुअल बुनियाद पर नहीं बनना चाहिए। कोऑपरेटिव्स इंडिविजुअल बुनियाद पर अगर बनाए जाएंगे ये कामयाब नहीं रहेंगे, बल्कि कोऑपरेटिव्स के लाजिम है इनको गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड फॉर्म द कोऑपरेटिव्स। तो फ्रांस के एक ये जो सोशलिस्ट हैं उसने इस आइडिया को दिया कि कोऑपरेटिव्स शुड बी बैक्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये कोऑपरेटिव्स बनानी चाहिए, और इस तरह से जो वेल्थ है ये कंसंट्रेट हो जाएगी, ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी बनेगी। कोऑपरेटिव्स की वजह से ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी बनेगी और हर तबका जो है इससे फायदा उठाएगा, प्रॉपर्टी से फायदा उठाएगा, और ये जो वेल्थ है किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहेगी। और इसके बाद साथ साथ कार्ल मार्क्स इसने भी एक आइडिया दिया कि ये इंडस्ट्रीज जो हैं ये असल में ये कैपिटल ये वो पैसा है जो इन्वेस्ट किया जाता है किसी मतलब कोई बिजनेस को रन करने में, किसी इंडस्ट्री को चलाने में जो पैसा लगता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, और जो लोग इसमें पैसा लगाते हैं उनको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट। और इसी कार्ल मार्क्स का आइडिया ये था कि ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है और इसमें कैपिटलिस्ट कैपिटल लगाता है, और फिर ये वर्कर्स जो इसमें काम करते हैं, और ये वर्कर्स असल में ये जो बेनिफिट जो डिराइव करता है कैपिटलिस्ट जो बेनिफिट डिराइव करता है ये वो अपने बुनियाद पर ही डिराइव नहीं करता है, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा रोल लेबर का होता है, यानी वर्किंग क्लास का इसमें ज्यादा रोल होता है जो कैपिटलिस्ट के लिए वो प्रॉफिट बनने का जरिया होता है। लेकिन ये जो वर्क कैपिटलिस्ट अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, लेकिन इस वर्कर को कोई फायदा नहीं होता है, वर्कर का लॉट जो है इसकी मुकद्दर जो है ये नहीं बढ़ती है, इसकी हालत बेहतर नहीं होती है, ये सोशली ये जो इकोनॉमिकली ये बेचारा इसकी पोजिशन वैसी ही रहती है, ये इकोनॉमिकली कमजोर रहता है, हालांकि इसी की वजह से ये कैपिटलिस्ट दौलत हासिल करता है। इसलिए कार्ल मार्क्स का आइडिया ये था कि ये कैपिटलिस्ट जो हैं अब लेबर्स को कैपिटलिस्ट के खिलाफ इनको ओवरथ्रो करना चाहिए, और इस ये कैपिटल जो है अब ये इट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द कम्युनिटी, इट शुड बी द कैपिटलिस्टों के खिलाफ अब लेबर्स को उठना चाहिए, और क्योंकि लेबरों की वजह से ही ये कैपिटलिस्ट अपनी प्रॉपर्टी बनाता है जो इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनती है और समाज को इससे कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए अब लेबर्स को इससे ऊपर उठना है और कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करके इस प्रॉपर्टी को ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी बननी चाहिए, और इसके लिए हमें एक कम्युनिस्ट समाज बनाना है। और कार्ल मार्क्स का आइडिया ये था कि ये प्रॉपर्टी जो है इट शुड बी ओन्ड बाय द कम्युनिटी, इट शुड बी ओन्ड बाय द नेशन, होल नेशन, जो 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 इसमें जितनी मेहनत करते हैं और ये पूरे समाज को, इसलिए उसका आइडिया ये था कि कैपिटलिस्ट जो हैं इनको ओवरथ्रो किया जाना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी जो है इट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। तो इस तरह से कम्युनिस्ट यानी सोशलिस्ट आइडिया, ये भी सोशलिस्ट आइडिया ही था, और ये जो वो इस हक में था कि ये कम्युनिस्ट इट विल बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी यानी सोसाइटी ऑफ द कम्युनिटी, यानी प्रॉपर्टी होल प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय द कम्युनिटी नॉट बाय द बाय एन इंडिविजुअल। तो ये इस हवाले से था कि ये जो ये सोशल चेंजेस जो डिफरेंट आइडियाज आए कोऑपरेटिव्स बनाने के हवाले से, और जो ये जो कार्ल मार्क्स का आइडिया भी क्या था, और इस सिलसिले में जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो यूरोप में बनी, और इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को सोसाइटी में चंद लोग जो है कैपिटलिस्ट जो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हीं को ज्यादा बेनिफिट होता था, और ये प्रॉपर्टी जो है कुछ लोगों के पास आकर उनकी ही प्रॉपर्टी ये बनती थी, और आम इंडिविजुअल को इसका फायदा नहीं होता था, जो बेचारे मेहनत मशक्कत करते थे इन कारखानों को रन करने में उनकी मुकद्दर जो है उनकी इकोनॉमी जो थी वो नहीं बढ़ती थी। तो इस लिहाज से मुख्तलिफ ये जो सोशलिस्ट ये आइडियाज जो आए तो उनकी
इस हिसाब से कि पूरे समाज में ये कोशिश हुई कि पूरे और यूरोप में फिर ये सोशलिस्ट आइडिया फैल गई और आज भी डिफरेंट कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये सोशलिस्ट आइडियाज, इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज भी इसके लिए कोशिश और स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये इस हवाले से था आज कि ये जो सोशलिज्म आया, सोशलिज्म से पहले जो डेवलपमेंट्स थे, यानी एक सोशल सोसाइटी, सोसाइटी एंड सोशल चेंज क्या समाज में आई, और फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से क्या असरात हुए। और इस तरह से हमने ये देखा कि यूरोपियन समाज में कि डिबेट्स और डिस्कशंस हुए कि कैसे इस प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनने के बाद भी, यानी इंडिविजुअल राइट्स मिलने के बाद भी, तो भी ये प्रॉपर्टी जो थी कुछ लोगों के हाथों में आती थी। तो इस तरह से यह हमने देखा आज इस हवाले से कि सोशलिज्म से पहले क्या डेवलपमेंट थे यूरोप में। तो कल हम और आगे बढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम रशियन रिवॉल्यूशन उठाएंगे, तो उससे पहले पहले ये डेवलपमेंट्स वहाँ यूरोप में हो रहे थे।